हेलो माय फ्रेंड्स, हम आज बात कर रहे हैं मधुमक्खियों के आदत एवं स्वभाव पर। तो मधुमक्खियां सामाजिक एवं कॉलोनी में रहने वाली कीट हैं। पूरे संसार में ये पाई जाती हैं, जिनका मानव जाति हेतु बहुत बड़ी उपयोगिता है। इनको जो भी पसंद है उसे मानव भी बहुत पसंद करता है एवं अपने खाद्य में प्रयोग करके स्वयं को रोग से सुरक्षा एवं अपने को ताकतवर बनाने की कोशिश करता है। इनके द्वारा बनाया गया घोंसला बी हाइव के नाम से जाना जाता है, जो कि हम सामान्य रूप से लंबे पेड़ों एवं ऊंचे इमारतों तथा पुराने पड़े मकानों में आसानी से देख सकते हैं। प्रत्येक छत्ते में हजारों की संख्या में मक्खियां पाई जाती हैं। इनका जो आज के समय में अगर कृत्रिम रूप से छत्ते की बनाने की बात करें तो मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा को विशेष रूप से मनुष्य ने अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु पालित कर लिया है। इन छत्तों में विशेष रूप से संख्या के हिसाब से श्रमिक मधुमक्खियों की संख्या लगभग 90% के करीब देखी जाती है, जिनका कार्य करने का तरीका अनोखा एवं विचित्र देखा जाता है। लगभग समस्त कार्यों को इन्हीं श्रमिकों द्वारा संपादित करने का कार्य होता है। ये पराग को इकट्ठा करना, शहद को इकट्ठा करना एवं बनाना, विशेष रूप से एकत्रित करने का कार्य इन्हीं के द्वारा होता है। इन्हें स्वयं खाती भी हैं, जिसके उत्पाद रूप में शहद और मोम हमें बनाकर देती भी हैं। शहद हमारे लिए सूक्ष्म मार्गानुसारी होता है एवं मोम का उपयोग भी हमसे छिपा नहीं है। हम लोग आज के समय में रॉयल जेली, प्रोपोलिस, बी पॉलन एवं वी वेनम से भी अत्यधिक आय प्राप्त करने लगे हैं, जिसके इनके आदतों एवं स्वभाव को जानकर हम लोगों ने अपने आप को और भी लाभान्वित किया है तथा विश्व स्तर पर एक तरह से मुद्रा अर्जन करने का कार्य भी हम लोगों ने किया है। तो इस प्रकार से हम आज बात कर रहे थे मधुमक्खियों की विशेष रूप से आदतों एवं स्वभाव पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।